एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन का भरपूर मजा ले रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डीएम प्रोसेस। डीएम क्या होता है? डीमिनरलाइज्ड वाटर। ठीक है, जो हम लोग पानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग पानी यूज़ करते हैं, अगर हम उसका मिनरल निकाल दिया जाए और फिर हम उस पानी को यूज़ करें तो उसको बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। ठीक है, मिनरल का मतलब क्या होता है? मिनरल का मतलब होता है कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड कंटेंट हो गए वाटर में। अगर ये निकल जाएगा तो वाटर ऑटोमेटिक डिमिनरलाइज हो जाएगा। ठीक है, डीएम वाटर का हम लोग यूज कहाँ का करते हैं? डीएम वाटर का हम लोग यूज करते हैं एचवीएसी सिस्टम, चिलिंग प्रोसेस में इन आउट के लिए करते हैं, और हम लोग इसका प्रोसेस करते इसका यूज करते हैं सर्कुलेशन में करते हैं, रिफाइनरीज में करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डीएम चार्जिंग प्रोसेस के पूरा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। उसमें का फिल्टर जो होते हैं, एसीएफ फिल्टर होते हैं, एमजीएफ फिल्टर होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कटायनिक प्रोसेस, अनायनिक प्रोसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो इसके लिए हमें पेपर पे आना होगा, उस पर आपको समझाऊंगा मैं पूरा डीएम का चार्जिंग प्रोसेस होता क्या है। दोस्तों, तो अब हम बात कर रहे हैं डीएम प्लांट के नॉर्मल प्रोसेस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस या फिर बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, कटायनिक एक टैंक होता है, अनायनिक होता है। कटायनिक में एच प्लस आयन होते हैं, अनायनिक में ओएच माइनस आयन होते हैं। जो हमारा कैल्शियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है तो जो नेगेटिव आयन होते हैं वो अनायनिक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं वो कटायनिक में रहते हैं। इसको हम बोलते हैं टू बेड आयनाइजेशन प्रोसेस और मिक्स्ड बेड आयनाइजेशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं एडवांस प्रोसेस की, जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है डीएम प्लांट के चार्जिंग प्रोसेस के बारे में। तो हम बात करते हैं डीएम प्लांट प्रोसेस की। पहले में इसके स्टेप के बारे में बात करते हैं कि प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होते हैं, उसके बाद फिर हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हमारा डब्ल्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, फिर बोरवेल में पानी उसका आया, फिर वाटर टैंक में शिफ्ट हुआ, फिर डीएमएफ में, फिर एसीएफ में, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन से पास हुआ, फिर डिगेजर में हुआ, फिर वीक बेस, फिर स्ट्रॉन्ग बेस एनायन, उसके बाद मिक्स्ड बेड, फिर अपने टैंक में। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा डीएम प्लांट प्रोसेस होता है वो हमारा स्टार्ट होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी हम लेते हैं बोरवेल में। बोरवेल का पानी आता है हमारे पास रॉ वाटर टैंक में। फिर टैंक से पानी हम लेते हैं डीएमएफ में। डीएमएफ क्या होता है? ये होता है डुअल मीडिया फिल्टर होता है, और फैन एंथ्रोफाइड फिल्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे पानी की टर्बिडिटी को रिमूव किया जाता है। फिर उसके बाद पानी पास होता है एसीएफ में, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर जिसको बोलते हैं। यहाँ पे ऑर्डर और कलर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिमूव होते हैं फ्रॉम एयर बाय ट्रैपिंग गैस मॉलिक्यूल। इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है पानी के। स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन, कटायन क्या क्या हो गए? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट प्रेजेंट इन वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट एसिड। इट रिप्लेस ऑल द कटायन इन रॉ वाटर विद एच प्लस आयन। ठीक है दोस्तों, अब हमारा वाटर पास होता है डिगेजर में। यहाँ पे हम डोजिंग करते हैं सीएल की। अगर हमारा पीएच कम है तो पीएच बढ़ाने के लिए यहाँ डोजिंग करते हैं सीएल की। उसके बाद डिगेसर क्या होता है? डिगेसर एक तरह का ब्लोअर होता है जो कि हमारे अनवांटेड गैस जो होते हैं, पॉइजनस गैसेस जो होती हैं, उसको रिमूव करता है। उसके बाद फिर वीक बेस का काम क्या होता है? वीक बेस क्या होता है? ये जब डिवॉल्व करता है वाटर में तो डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है, कुछ पार्ट उसके वाटर में ही रहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस अनायन क्या होता है? ये टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं इसके अंदर आता है, यूज फॉर डिमिनरलाइजेशन एंड डीअल्कलाइनेशन। उसके बाद वाटर पास होता है मिक्स्ड बेड। मिक्स्ड बेड में ऑलमोस्ट हमारा टीएसएस जीरो हो जाता है और हम
फिर वाटर जो हमारा होता है एसएस टैंक में हम लोग वाटर को ले लेते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि डीएम का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम लोग फर्दर एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे ही मैं वीडियो लेके आता हूँ। बाकी हमारा ड्यूअल मीडिया फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के ऊपर अलग अलग लेक्चर बनेगा। ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस है तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग सेपरेट टॉपिक लेके। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।